कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले कई महीनों से थिएटर्स बंद है और इस बात से कई सिनेमा लवर्स खास से परेशान और निराश हैं। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म से काफी हद तक फैंस की उदासी खत्म भी हुई है, क्योंकि अब बड़े स्टार्स भी अपने फैंस के लिए अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म्स भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए रिलीज करने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले रिलीज हुई थी लेट सुपर टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा, जिसने क्या क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक किए इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। और अब इसी प्लेटफॉर्म से सभी को हॉरर का डोज देने आ रहे हैं अक्षय कुमार अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब से। खैर, इस फिल्म की रिलीज की बात करें तो कहा जा रहा है कि अक्षय के बर्थडे यानी कि 7 सितंबर को ये रिलीज होगी, लेकिन फिलहाल इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन एक्टर और उनकी टीम की तरफ से आना बाकी है। ऐसे में दूसरे स्टार जो अभी तक अपनी फिल्म लिए थिएटर्स ओपन होने के इंतजार में बैठे हैं, अगर उनकी फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है तो पब्लिक कैसा रिएक्शन देगी, ये बताया वेटरन एक्टर नसरुद्दीन शाह ने, जिन्होंने बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की एक तरह से खिंचाई करते हुए कही ये बात। आखिर उन्होंने सलमान की फिल्म के ओटीटी रिलीज होने पर क्या कहा, चलिए आपको भी बताते हैं। राजीव मसद के साथ इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने बताया कि ये देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान की फिल्म अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तो दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या होगी। वो ऑडियंस जो उनकी फिल्मों पर तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है, स्क्रीन पर सिक्के उछालती है और डांस करने लगती है, ऐसी ऑडियंस की क्या प्रतिक्रिया होगी अगर उन्हें सलमान की फिल्म में घर पर बैठने का मौका मिले, वो भी बिल्कुल अकेले और अपने बच्चों के साथ। क्या वो घर पर भी ऐसे ही बिहेव करेंगे? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वेक्टर एक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस लॉकडाउन ने कई यंग फिल्म मेकर्स को प्रेरित किया है, जिसके चलते वो कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म मेकर्स उन प्रोड्यूसर्स की परवाह भी नहीं कर रहे, जो फिल्म मेकर्स के क्रिएटिव प्रोसेस में बाधा डालते हुए अक्सर ऐसे एक्टर्स को अपनी फिल्मों में चुनते हैं जिनकी मार्केट में स्टार वैल्यू काफी ज्यादा है। मैं भविष्य को लेकर आशावादी हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 500 करोड़ बजट और प्रॉफिट जैसी चीजों को पीछे छोड़कर हम अच्छे सिनेमा की बेहतरी को लेकर आगे काम करेंगे। अब ऐसा कहकर उन्होंने सलमान पर तंज कसा है या फिर किया है अक्षय को सपोर्ट, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल अक्षय की भूतिया फिल्म से जुड़ी एक अपडेट पाने के लिए फैंस बेताब हुए जा रहे हैं। तो क्या इस लिस्ट में आप भी है शामिल? दीजिएगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।